शिकारीपाड़ा विधानसभा के झामुमो विधायक नलीन सोरेन ने सोमवार को कांटीकुंड प्रखंड क्षेत्र के कर्णपुरा गांव में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पीडब्ल्यूडी रोड कर्णपुरा के मजडीहा तक पौनी 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। 2 करोड़ 90 लाख की लागत से सड़क के अंतर्गत 626 मीटर पीसीसी, 2885 मीटर बीटी, 3 कलवर्ट व 15 मीटर गार्डवाल बनना है। शिलान्यास के मौके पर विधायक नलीन सोरेन ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय से सड़क के निर्माण के लिए प्रयासरत थे। सड़क बहुत ही बदहाल थी और अब इसके निर्माण से लोगों की एक बड़ी समस्या का अंत हो जाएगा। उन्होंने स्थानीय लोगों को निर्माण के दौरान कार्य की गुणवत्ता पर नजर रखने की बात कही। कहा कि सड़क निर्माण में गड़बड़ी दिखने पर स्थानीय लोग अपने ग्राम प्रधान मुखिया को इसकी सूचना दें ताकि कार्य में गड़बड़ी को रोका जा सके। उपस्थित विभागीय अधिकारियों को कार्य को प्राकलन के अनुसार निर्माण के निर्देश दिए गए। लोगों को संबोधित करते हुए झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य आलोक सोरेन व विधायक प्रतिनिधि जॉन सोरेन ने सड़क के निर्माण का श्रेय स्थानीय विधायक को दिया। कहा कि विधायक जी की अनुशंसा पर टेंडर निकला और आज रोड निर्माण का शिलान्यास हो रहा है, जो क्षेत्र के लिए खुशी की बात है। मौके पर आरईओ के स्कूटी इंजीनियर सुशील कुमार सिन्हा ने कहा कि रोड का निर्माण तय मानकों के अनुरूप होगा और कार्य की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। आमझरी चौक पर आमझरी से कर्माटांड 16 किलोमीटर सड़क के राइडिंग क्वालिटी में सुधार के कार्य को प्रारंभ करने को लेकर विधायक श्री सोरेन द्वारा भूमि पूजन की गया। शिलान्यास भूमि पूजन के अवसर पर पीडब्ल्यूडी के एसडीओ राधिका रमन, आरईओ के स्कूटी इंजीनियर सुशील कुमार सिन्हा जी, विक्रमदास जामुमो के प्रखंड अध्यक्ष सनाउल अंसारी, मुखिया रामेश्वर मोहली, मुखिया रोज मेरी हेम्ब्रम, वरिष्ठ कार्यकर्ता अक्सर अंसारी, जियाउल भगत, टिंकू लाहा, जाकर अंसारी, रजनीश कुमार सहित अन्य मौजूद थे। काटीकुंड से मुकेश कुमार दास की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।